अच्छा खासा दिल से कल के दिन में ट्रेलर रिएक्शन दिया था, जो दिखा वही बताया। कोई दिल के अंदर में पाप नहीं था, कुछ नहीं था कि भाई का मजाक उड़ेगा, लेकिन क्या करे यार, भाईजान बीच बीच में काम ही ऐसा कर देते हैं जिसके बाद से मन कहता है चल एक और वीडियो ठोकते, भले से उसमें सिर्फ दो व्यूज आए, और वही तुम दो हो, ठीक है ना, उन दो में से तुम एक वही हो। मुद्दा क्या है बताते हैं, जितने भी भाई फैंस है वो लोग तो सब जाके बोले भाई 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 एकदम खा गए भाई, एकदम मजा आ गया। ताकि यहाँ तुम लोग वही हो जो साला पॉन के नाम पे जापानीज पॉन देख करके बोलते हो मजा आ गया मजा आ गया। साला सब तो ब्लर रहता है यार। नहीं मैं देखता नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, लोगों ने बताया ऐसा होता है, विश्वास कर लो यार, नहीं देखा मैंने। तो मुद्दा ये है कि भाईजान जो है ट्रेलर लॉन्च पे गए हुए थे, सारे के सारे लोग चिल्लम चिल्ली कर रहे थे, और शायद किसी चमन चोमू ने बीच में कह दिया होगा कि भाई की बॉडी वीएफएक्स वाली है, ए भाई तो वीएक्स और भाई तो लादी पाव लगा करके वीएफएक्स मारे लाए, शायद किसी ने बोल दिया हो, मैं नहीं था। तो भाई को आया गुस्सा और भाई ने बोला रुक अभी बताता है। भाई ने बिल्कुल रील्स वाला काम किया है, जैसे रील्स पे आती है अब बोलती है ले उठा रही हूँ उसके से बटा रील खत्म। भाई ने ऐसे दो बटन खोले, तीसरे खोले, चौथे खोले, फिर खुद ही का देख करके खुद ही बंद कर दिया। बड़ी बहुत बेइज्जती होगी अगर देख लिया तो। अरे भाई अगर ये चीज कर नहीं था तो भाई घर से थोड़ी बॉडी बनाकर आते, आराम से दिखा देते, नॉर्मल सी बात है। वैसे भी सल्लू भाई देखा जाए तो बॉडी बिल्डर लोगों की आइकॉन है, मतलब उनको देख करके इंडिया के लड़कों ने बॉडी बनाने का सोचा कि ऐसे भाईजान जैसा दिखना है, तो भाई को ये रिस्क नहीं लेना चाहिए था मुझे जहां तक लगता है। देखो एक टाइम पे जो है कपिल शर्मा शो पे आया था ऋतिक रोशन, और वहां पे सारी लड़कियां सारी आंटियां टूट पड़ी थी कि एप्स दिखा दो एप्स दिखा दो। ऋतिक रोशन ने मुंह पे कहा था बॉस कि देखो वो सब फिल्मों में होता है, अभी खा पी करके फुल फैमिली पैक बना करके आया हूँ, सिक्स पैक ऐप नहीं दिखेगा, तो ये उतारने का मतलब ही नहीं बनता है। दैट्स कॉल ऑनेस्टी, दैट्स कॉल एक्सेप्टेंस। जैसे मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरे चैनल पे भाई का वीडियो जब भी बनाता हूँ तुम सब लोग भर भर के प्यार देते हो। हाँ वो बात अलग है कि मदर सिस्टर को बहुत ज्यादा याद करते हो अपनी, लेकिन क्या कर सकते हैं, प्यार मिल रहा है तो प्यार बटोरना तो मेरा हक बनता है ना। तो भाई आए और ऐसे कांड करके गए, और उसके ऐसे बोले, मतलब रिएक्शन देख के तो ऐसे लग रहा था फुटपाथ पे मेरे को आज गाड़ी मैं चलाएगा। भाई एकदम फुल रफ्तार में आएंगे, और उसके ऐसे जिस हरामखोर ने सवाल किया था कि भाई लादी पाव लगा के आए क्या, उसी पे चढ़ाएंगे। बाय द वे यही था, इतना ही था, और मुझे लग रहा था कि भाई इस पे बात करनी चाहिए, तो ऑनेस्टली बता रहा हूं, किसी का भाई किसी की जान जो ट्रेलर था वो ऑनेस्टली यार काफी अच्छा लगा। अब बहुत सारे लोग मुझे आकर के ये भी बोल के गए यार कोई अच्छे से ट्रेलर को रिव्यू भी नहीं कर रहा है, ये कोई ट्रेलर रिएक्शन है, बकवास है, साला सब आके चाट के जा रहे। अरे अजीब है यार, बुरा बोल दो तो परेशान, अच्छा बोल दो तो परेशान, यार करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, नहीं मेम्स लगाने की औकात नहीं है, वो ढूंढते कौन बैठेगा। हम लोग भाई के फैन है, एफर्टलेस काम करते हैं, ज्यादा एफर्ट नहीं डालने का, बिना एफर्ट डाले 1 मिलियन भाई मजे में। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि कुछ भी कर लो तो यार तुम लोगों को प्रॉब्लम है। अब देखो ये चीज आया, मैं हर चीज में ऑनेस्ट रहता हूँ, ये चीज आया है भाई का जो ये स्टफ था वो मुझे सही नहीं लगा, भाई को नहीं खोलना चाहिए था बटन, और अगर खोले थे तो पूरा दिखाना चाहिए था। ये कौन बोल रहा है जिसको पूरा देखना आके फिल्म देखो, नहीं ओरिजिनल देखना था, ओरिजिनल जब स्टेज भाई में एकदम जिंदा सामने खड़े तो भाई का एप्स तो ऐसे ही देखना बनता है। चलो बहुत हो गई, बहुत बकवास हो गई है, अब वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। तुम लोगों का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताओ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का बटन दबा लो, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।